हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बांस करेल की सब्जी, जिसे आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं और ये बहुत ही झटपट बनके रेडी हो जाता है। और इस तरीके से आप बांस करेल की सब्जी बनाएंगे तो आप इसे सप्ताह दिन भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बांस करेल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बांस करेल लिया है। ये फर्मेंट किया हुआ बांस करेल है। बांस को कद्दूकस करने के बाद इसे फर्मेंट किया जाता है, जिससे कि हल्का सा खट्टा हो जाता है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम सबसे पहले एक खल में 10 से 12 कली लहसुन लेंगे और इसे हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। इसे हमें हल्का सा क्रश करना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा क्रश कर लेना है। देखिए, मैंने इस तरह से लहसुन को क्रश कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा राई का दाना ऐड करके इसे हल्का सा चटकने देंगे। देखिए, हल्का सा चटक चुका है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च ऐड करके इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। देखिए, मिर्च भी हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम क्रश किया हुआ लहसुन को ऐड करेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाएगा। देखिए, लहसुन हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम बांस करेल को ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में सबसे पहले 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका जो पानी है वो हल्का सा सूख जाएगा। देखिए, इसे फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है और देखिए इसका जो पानी है वो हल्का सा सूख चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करेंगे, जितना सिंपल रहेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके फिर से मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए, इसे फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। देखिए, हमारा बांस करेल का बहुत ही सिंपल और टेस्टी सब्जी बनके रेडी है। अब यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म बांस करेल की सब्जी को सर्व कर लिया है और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और लेकिन मन ये बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इस तरीके से आप बांस करेल की सब्जी बनाएंगे तो आप इसे डब्बे में स्टोर करके सप्ताह दिन भी रखेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार बांस करेल की सब्जी जरूर बना के देखिए। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।